हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। बांदा जनपद में नहीं सुधर रही गौशालाओं की व्यवस्था, लगातार भूख प्यास बीमारी से दम तोड़ रहे हैं गौवंश। ग्राम पंचायत कनवारा में 7 गौवंश मृत गौशाला के बाहर पड़ी थी, जिला प्रशासन ने पहुंचकर सभी गौवंशों को दफनाया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार गौवंश को लेकर चाहे जितना पैसा खर्चा किया जा रहा हो, लेकिन गौशालाओं की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के अंतर्गत कनवाड़ा गांव का है, जहां पर आज 6 से 7 गौवंश मृत अवस्था में पाई गई, जिनकी जानकारी जिलाधिकारी बांदा को दी गई। जिलाधिकारी अनुराग पटेल के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच कराई गई। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। वहीं उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार गूगल शव को लेकर लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाती रही, इसके बावजूद भी गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है, इसमें सुधार नजर नहीं आ रहा। अभी हाल ही में नरेनी क्षेत्र में 1 सैकड़ों की तादाद में गौवंश को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया था, जिस पर प्रशासन के द्वारा दोषियों के खिलाफ अभी पूरी तरह से कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि गौवंश के खाने पीने व उनके आश्रय का स्थल ठीक ठाक करने के लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या स्थानीय स्तर के अधिकारी कर्मचारी सचिव व प्रधान इन लोगों के द्वारा दिशावर भट्टा लगाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज बांदा जनपद के बड़ोखर खुर्द ब्लॉक अंतर्गत कनवाड़ा ग्राम सभा में 6 से 7 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा गुप्त सूचना पत्रकार बंधुओं को दी गई, जिसमें कुछ मीडियाकर्मी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गौशाला कनवारा ग्राम के गौशाला की मौके पर जाकर कवरेज किया। तत्काल मीडिया कर्मियों के द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया गया, जिस पर जिला अधिकारी अनुराग पटेल के द्वारा तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजकर जांच करवाई गई। सर, किस तरह का आज यहाँ पर मामला हुआ है और किस तरह की कार्रवाई होगी यहाँ पर? अरे ये भाई यार को बताए दे तो ना, रखने देता के आज उन्होंने बता भाई क्या बात है, रखने देता ज्यादा मत बता, ये डॉक्टर को डॉक्टर सर, लगभग कितनी गायें खत्म हुई हैं, मृत हुई हैं? चाचा जी, ये बताइए, जो पुआल आता है ये कैसे आता है? पुआल का मतलब बताइए। ये पुआल का मतलब पैरा, गांव सभा से ये लाते हैं ट्रैक्टर, और हमको मालूम नहीं है ना, हम गांव सभा से आता है, चंदा से आता है नहीं, ग्राम सभा वाले मतलब देते हैं, जिन जिनके पास धान होता है वही देते हैं, खेती वाले देते हैं। अच्छा। और जो है जो थोड़ा बारी जो हो, उन लोगों जो सचिव और प्रधान जो मदद कर रहे हैं, जब वो पैसा नहीं ऊपर से आ रहा, तो इसमें भूसा और क्या कहते हैं सब खरीफ हिस्सा, ये सब कहाँ पर है? ये सब जो है भूसा के लिए आज गाड़ियां गई हुई, भूसा खत्म हो चुका है। नहीं, भूसा का टाल कहाँ पर था आपका? भूसा का टाल जो है यहाँ पर ढाल। क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद तिवारी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कनवारा के। कनवारा में ये जो हम गौशाला देख रहे हैं, इसमें क्या व्यवस्था है आपकी? यहाँ पर व्यवस्था जो है ऐसा है कि अभी ऊपर से कोई अभी टैग लगे नहीं हुए। अच्छा, नहीं टैगिंग तो दिख रही ना, टैग वो जो है जो अन्ना जानवर थे यहाँ पर, हमने अभी जो देखा है आपको बता दें कि 20 से 25 जानवर नीचे मरे हुए पड़े हुए हैं। वो गांव के हैं। गांव के हैं, आप कैसे कह सकते हैं गांव के हैं? गौशाला के बगल से पड़े हुए हैं। गौशाला के कगार है, नदी है किनारे, गांव के लोग नहीं, शाम देख सकते, गांव के लोग फेंक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था, इनकी सर्दियों में या सर्दी के लिए? देखिए जो ये व्यवस्था अभी कच्चा मंगवाए हैं, इनके लिए बनवा रहे हैं, ये बनवा नहीं, इधर देख के बताइए, ये बनवा रखा है आपके लिए, टट्टा मंगवा के आपके सामने रखे हैं। हाँ, ये सब सुरक्षा उनके लिए, तो देखिए इनको सब छोटे छोटे बच्चों को निकाल रखा है। नहीं, किसी को तो इनमें क्या कहते हैं, हमको ना तो पुआल दिख रहा, अंदर दिख रहा है ना, किसी को चारा दिख रहा है, चारा है ना, किसी को मतलब चारा सुबह और शाम पड़ता है, दिन भर चारा आप नहीं खिला पाएंगे ना हम। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।